ठीक है, तीन चीज़ें हमारा होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग जो है नॉर्मली करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी से मिलके बन जाता है, ठीक है, और कुछ वर्किंग नोट्स वगैरह से। नॉन करेंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड जो होता है, पॉइंट नंबर वन में शेयर होल्डर जो फंड होता है उससे बनता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, और नॉन करेंट एसेट से बन जाता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी IA, ठीक है। जैसे ये फिक्स एसेट दिया टेंजिबल, पहले कितना था ये 2016 में 450,000 था, 2017 में 6,00,000 रुपये। तो पॉइंट नंबर फाइव चेक करते क्या दिया है, ये दिया है 525, ये बढ़ रहा है। नीचे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बोला है, 1,00,000 रुपये 10% डिवेंचर वे इशूड ऑन 31 मार्च 2017। तो हमारे जो मशीनरीज हैं, मशीनरीज के कोई नोट नहीं दिए थे, ये जो बढ़ रहा है वो क्या आएगा IA, और डेप्रिसिएशन किस में आता है OA में। क्लियर, ये हो गया करेंट एसेट। चलो ठीक है, ये करेंट लायबिलिटी में आएगा, ये तो हमारा कैश फ्लो में आता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, ये भी आपका करेंट एसेट का ही पार्ट है, पर ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा IA में, ठीक है। देखो IA दो जगह टिक हो गया अभी तक, चलो ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 1,50,000 से 2,50,000 दिया हुआ है। चलो यहाँ पे चेक करते हैं, इसमें डिवेंचर है तो ये किस में आ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। इधर देखते हैं शेयर होल्डर फंड्स में, शेयर होल्डर फंड 5,00,000 है डैश है, ठीक है। रिजर्व सरप्लस से स्टार्ट करते हैं, 25 से 1,75,000 दिया हुआ है एक, है ना। इसके बारे में बोला कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा है, 25 से 1,75,000 हुआ है, मतलब 1,50,000 रुपये बढ़ा है प्रॉफिट हमारा, ओके ठीक है, ये हो गया। चलो अब देख लेते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में क्या है, पॉइंट नंबर 3 और 4 में देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 बैंक ओवरड्राफ्ट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाता है हमारा, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स 75 से 1,25,000 हुआ है, ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, ओके ठीक है। ये हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स ये जो है पिछले साल का पे करें, प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया है, तो ये वाला पे करेंगे और ये वाला प्रॉफिट लॉस में आएगा। एक दिया प्रपोज डिविडेंड, नॉर्मली ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देता है, फिर दो साल का दिया हुआ है तो ये वाला पेमेंट में डालेंगे और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे टैक्स का लेते ना सेम वैसे टैक्स का क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इसको ऐड करते हैं, तो इसको भी ऐड कर देंगे और ये दोनों को हम लोग पेमेंट में डाल देंगे, ठीक है। कितना ये 75/50 ये पेमेंट में जाएगा, ओके ठीक है। जैसे दिया ना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग निकाले थे 44,000 यहाँ पे वर्किंग नोट में, जैसे वर्किंग नोट में निकाले ना वैसे इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट बना सकते हैं, या फिर आप यहीं पे कर सकते हो इसी में, ठीक है। पहले जैसे एक पॉइंट डाल दिया हम लोग, ए पॉइंट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं नेट प्रॉफिट हमारा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमारा हेडिंग होता है, जैसे पहले लिख देते हैं हम लोग सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। चलो देखते हैं कितना है भैया, ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस ऑफ बैलेंस इन स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस, पहले 25 से 1,75,000 हो गया, कितना हो गया ज़्यादा 1,50,000, इसको बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर भी बोल सकते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, इसमें टैक्स हम लोग ऐड करते थे वैसे डिविडेंड भी ऐड कर देंगे, ठीक है ऐड, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स प्रपोज डिविडेंड दोनों को ऐड कर दो, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, ये अला है पे में जाएगा, ये अला ऑपरेटिंग उसमें जाएगा, ठीक है 1,25,000 रुपये। फिर ये अला भी प्रपोज्ड डिविडेंड कितना है 75,000, ठीक है पर डिविडेंड में ये 75,000 को यूज़ नहीं होगा, ये 50,000 रुपये यहाँ पे भी आएगा और उधर भी 50,000 ही आएगा, यहाँ पे डिविडेंड पेड होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है। चलो प्लस माइनस कर दिया हम लोग, 1,50, 1,25 हो गया पर 275 और हो गया 375, ठीक है 3,75,000 रुपीज़, क्लियर 325, ठीक है। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स
एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वही सारा चीज़ ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन वाला हो गया, जैसे कितना ओ ए वाला है, जैसे कि दिखने का ओ ए ये दिख रहा है, ठीक है, ये जाएगा 75,000 रुपये टैक्स पेड, इसको लास्ट में कर देंगे। और कौन सा ओ ए डेप्रिसिएशन 75 से 175 हुआ है, कितना 137,500 हुआ है, तो कितने का डिफरेंस है, ये लगभग 62,500 का डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, 62,500 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, बासठ हजार पाँच सौ, ठीक है। और उसके अलावा और कौन सा ए वाला है, 10% डिवेंचर दिया, इसका इंटरेस्ट निकाल देंगे, ये तो जो 1,00,000 रुपये बढ़ा है वो साल के लास्ट में बढ़ा है ना, तो 1,50,000 रुपये निकलेगा, 1,50,000 का 10% इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है, कितना 1,50,000 का 10%, ठीक है, कितना आएगा 15,000, क्लियर। चलो इतना ऐड करते हैं, 325,625 और 15, ये दोनों को ऐड किया तो 340,000, ये जगह 402,500, ठीक है। ये भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पहले का है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WCC, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहाँ पर हम वर्किंग कैपिटल जो करंट सेट है, करंट लाइबिलिटीज को प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। तो देखो करंट एसेट कौन कौन सा है, ट्रेड रिसीवेबल है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस भी है, इसका दो तीन ट्रीटमेंट करते हैं, कई बार इसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज मान के इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड कर देते हैं, कई बार इसको करंट लाइबिलिटी में इंक्रीज डिक्रीज जो WCC आइटम उसमें देते हैं, कई बार इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देते हैं। तो नॉर्मली हम लोग जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एजिंग करके बनाएंगे, तो हमारा करंट एसेट एक ही है, ठीक है। करंट लाइबिलिटी चेक कर लेते हैं, करंट लाइबिलिटी में आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट था, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपका टैक्स है, मतलब करंट लाइबिलिटी आपका है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ करंट एसेट बढ़ रहा है कि घट रहा है, करंट एसेट आपका ये रहा 225 से बढ़ रहा था माइनस में, ठीक है। लेस माइनस का साइन, ठीक है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल बढ़ा ना, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना बढ़ा, इधर ये आपका है 225, मतलब 50,000 रुपये, ठीक है, माइनस कर दिए, इसमें इसको माइनस करें तो आ जाएगा हमारा 3,52,500 रुपीज, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर इसमें टैक्स पेड करके माइनस करते हैं टैक्स को, बस ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। फिर क्या करेंगे, टैक्स पे जितना पे किया उसको माइनस कर दो, लेस टैक्स पेड, कितना टैक्स पे किए हम लोग, टैक्स में बताया था यार प्रोविजन में जाता है और यार पे हो जाता है 75,000 रुपये, 75,000 आप पे कर दिए, 75,000 पे करने के बाद इसमें इसको माइनस करने के बाद कितना आएगा आपका 2,77,500 रुपीज़ आ जाएगा, ये आ गया आपका नेट, ठीक है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करके पॉइंट नंबर ए, ठीक है, बी पॉइंट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग मतलब फिक्स, जो जितना भी फिक्स एसेट कम ज़्यादा होता है वो इसमें आता है, ठीक है, फिक्स एसेट्स चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे फिक्स एसेट में था ये टेंजिबल में दिया मशीनरी 5,25 से 5,37,500 हुआ, मतलब 212,500 रुपये बढ़ा है,
ठीक है, आईए में, और एक आईए यहाँ पे था, 1 लाख से 2 लाख हुआ था, ठीक है। ये अगर करेंट एसेट बढ़ता तो उसको माइनस में लिखते ना, ठीक है, क्योंकि दोनों बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है, दोनों माइनस में आएगा, ठीक है। एक था मशीनरी है, तो परचेस ऑफ मशीनरी, परचेस ऑफ मशीनरीज कितना बढ़ा है, 2,12,500 रुपये, 2,12,500 रुपये। वैसे ही क्या नाम था उसका, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, वो भी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। लोन एंड एडवांसेस गिवन या फिर रेज्ड, गिवन लिख देते हैं, ठीक है, दिए हैं लोन कितने का, 1 लाख रुपए का, दोनों बढ़ रहा है, मतलब दोनों माइनस में आएगा, ठीक है। टोटल आ गया 3,12,500 रुपये माइनस में, माइनस में आता है, क्या बोलते हैं हम लोग, यूज्ड नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पॉइंट नंबर सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसमें आता हमारा शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड, शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया है 150 से 250, मतलब 1 लाख बढ़ा है, 1 लाख रुपये आपका डिबेंचर इशू हुआ, ठीक है, इशू ऑफ कितना, 10% डिबेंचर। चलो एक बार शेयर होल्डर फंड चेक कर लेते हैं, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल में 5 लाख 5 लाख कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। यहाँ आपने इंटरेस्ट पे किया था 15,000 रुपये, इंटरेस्ट पेड भी माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट पेड 15,000 रुपये माइनस में आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, डिविडेंड भी पे किए थे, एक बार डिविडेंड यहाँ लिखे थे, प्रपोज डिविडेंड 50,000, एक बार यहाँ लिखे डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड माइनस, हाँ माइनस में 50,000, ठीक है। इंटरेस्ट दोनों पे कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट और ये दोनों दो बार आता है, एक बार यहाँ पे आएगा और एक बार इधर आ जाता है। टैक्स को यहाँ लिख दिया था मैं 75,000, प्रपोज डिविडेंड को यहाँ लिख दिया था, ठीक है। और देखते हैं एफ वाला, ये है एक, ठीक है, इधर दो और दो तो उधर से हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट 1 से 1 50 हो, मतलब 50,000 बढ़ा है तो फिर उस पैसा आया है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट लिए हम लोग, रेज लिख देते हैं, चलो प्लस माइनस कर देते हैं, ये 50 में 50 गया, 1 में 15 गया, तो 85,000 रुपये आया आंसर, ये 85,000 को हम लिख देंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है, सी पॉइंट और ये बी पॉइंट, सॉरी ये था बी पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग प्लस माइनस कर देते हैं, सी पॉइंट है सी, चलो प्लस माइनस कर देते हैं, ये दोनों को प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे 50,000 रुपये बचेगा, तो प्लस हो रहा तो इंक्रीज, ठीक है, नेट कैश इंक्रीज, ठीक है, नेट कैश इंक्रीजेस या इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, हो गया। फिर उसमें ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है, ऐड कर देते ओपनिंग वाला, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे ओपनिंग वाला, तो आ जाएगा आंसर मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। ओपनिंग वाला कितना था, ओपनिंग वाला कैश था 75, तो मैंने 75 ऐड कर दिया, तो आंसर आ गया मेरा 125, एक बार चेक करते हैं आंसर 125 आ रहा है, 125 आ रहा है, ठीक है, दोनों डिफरेंट 50,000 आ रहा था, 90%